विदेश जाने के लिए जो सबसे जरूरी दस्तावेज होता है वो होता है पासपोर्ट। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट खो जाए तो आपको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी दूसरे देश में भारतीय पासपोर्ट आपके लिए कितना महत्व रखता है, अगर ये जानना हो तो करीब 18 साल जेल में बिताकर वतन वापस लौटी 65 साल की हसीना बेगम से जान लीजिए। दरअसल साल 2002 में हसीना बेगम अपने किसी रिश्तेदार से मिलने लाहौर गई थी, लेकिन वहां उनका पासपोर्ट खो गया। पासपोर्ट खोने के बाद मानो उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पाकिस्तान सरकार ने हसीना को जेल में बंद कर दिया, यानी बीते 18 साल तक हसीना बेगम बिना कोई जुर्म किए जेल में ही रही। औरंगाबाद पुलिस की सक्रियता के चलते गणतंत्र दिवस के मौके पर वतन वापस लौटी हसीना बेगम ने पाकिस्तान में अपने बुरे अनुभवों को साझा किया। लोगों की आंखों में आंसू भर आए। बेगम हसीना ने कहा कि मैं वहां बहुत मुश्किल दौर से गुजरी हूं, मुझे जबरन जेल में बंद रखा गया जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने कहा, अब अपने देश लौटकर मुझे शांति मिली है और ऐसा लग रहा है मानो मैं स्वर्ग में हूँ। पाकिस्तान की जेल में 18 साल कैद रहने वाली हसीना बेगम ने अपने बुरे अनुभवों को साझा करते हुए कहा, उन्होंने पाकिस्तान की कोर्ट में जज से अनुरोध किया कि वो निर्दोष हैं और कानूनी तरीके से पाकिस्तान आई थी। इस पर अदालत ने उसके दिए हुए पते को लेकर औरंगाबाद पुलिस से जानकारी मांगी थी। औरंगाबाद पुलिस ने जब उसके दिए पते की पुष्टि की, तब जाकर पाकिस्तानी अदालत ने हसीना बेगम को भारतीय अधिकारियों को सौंपने का फैसला सुनाया। अपनी वतन वापसी को लेकर औरंगाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए हसीना बेगम ने कहा, मैं रिपोर्ट दर्ज करने के लिए औरंगाबाद पुलिस को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि साल 2002 में अपने पति के रिश्तेदार जैनुद्दीन चिश्ती से मिलने पाकिस्तान गई थी, जहां उनका पासपोर्ट खो गया था। पुलिस की जानकारी के मुताबिक हसीना बेगम की शादी यूपी के सहारनपुर निवासी दिलशाद अहमद से हुई थी और उसका घर औरंगाबाद के सिटी चौक थाना क्षेत्र में है। वतन वापसी के मौके पर औरंगाबाद पुलिस के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। Your report.